हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, क्या कैरियर से होंगे और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक टाइम में। तो गाइस, आज की इस वीडियो मेरी है आईपैड मिनी 5 पर। तो गाइस, ये एक्चुअली मैं पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लिए हुए अभी 1 मंथ हो गया इसको। और ये जो है बेसिकली एक एप्पल की टैबलेट है, आईपैड है, आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा। अरे, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है इस टाइम ओवरऑल द वर्ल्ड, और कंपेयर टू एनी एंड्रॉयड टैबलेट के ये बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर iOS सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्मूथ होता है और सिक्योर होता है, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसमें आपको फॉर एवर मिलते रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। अब गाइज, अगर बात कर ली जाए इसके ओवरऑल डिज़ाइन की, तो आपको फ्रंट पे ग्लास बिल्ट देखने को मिल जाती है, फुली ग्लास पैनल है और लेमिनेटेड डिस्प्ले है। 326 इसकी पिक्सल पर इंच है, और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके रेजोल्यूशन की, तो आपको इसमें अच्छा खासा HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर A12 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे बेस्ट जा रही है ओवरऑल एप्पल डिवाइसेस के अंदर। अब गाइस, अगर बात कर ली जाए इसके बैक डिज़ाइन की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, अदरवाइज़ तो मोस्टली भी लोगों को पता भी होगा इसका बैक डिज़ाइन किस तरह का होता है, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं आइडिया उनके लिए दिखाता चलता हूँ कि ये है पीछे से इसका बिल्ट डिज़ाइन। बहुत ज़्यादा केयर से मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, गोल्ड कलर में है मेरे पास ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइस है और फुली एलुमिनियम बिल्ड में है बहुत ज़्यादा, और ईच एंड एवरी इसका जो डिज़ाइन परस्पेक्टिव है बहुत ही प्रिसाइज है और मशीन बिल्ट है, और बहुत हैवी स्ट्रक्चर है इसका ओवरऑल। और राइट साइड पे इसके आपको वॉल्यूम बटन्स, टॉप पे इसका पावर बटन, और टॉप लेफ्ट साइड पे आपको इसका एयरफोन हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल के नए आईफोन्स में भी नहीं आ रहा। बॉटम पे दो स्पीकर्स और एक लाइटनिंग जैक देखने को मिल जाता है, पीछे आपको आईपैड की वर्डिंग, एप्पल लोगो, और एक कैमरा, और एक दो माइक्स देखने को मिल जाते हैं, एक बैक साइड पे और एक इसकी टॉप साइड पे, आप देख सकते हैं। तो गाइज़, ये हो गया इसका डिज़ाइन। अब गाइज़, अगर बात कर ली जाए इसके बैटरी टाइमिंग की, तो आपको अराउंड 8 से 9 घंटे ये एक दिन में देता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी टाइमिंग है। और आप इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि एक एप्पल डिवाइस है तो आप इसके साथ एयरपॉड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने, जो कि बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है और अच्छा बना देता है। इंस्टेंटली आप अपने आईफोन और आईपैड और मैकबुक में स्विच कर सकती हैं, और ये बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन जाता है आपके पास ओवरऑल, अगर आपके पास सारे डिवाइसेस मौजूद हों तो। और आप करीब से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है इसका, आपको कोई भी पिक्सलेशन देखने को नहीं मिलती, और बैटरी टाइमिंग भी बहुत फिट है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। साउंड की अगर बात कर ली जाए, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका चेक करवा देता हूँ साउंड, जस्ट एक आइडिया के लिए, तो हम यही वाली वीडियो प्ले कर देते हैं। You can never delete them. Ever. Don't delete the stock apps. And just a heads up. तो गाइज, अगर आगे बात कर ली जाए इसके ओवरऑल गेमिंग के लिहाज से, तो गाइज़ गेमिंग में मैं आप देख सकते हैं मेरे नीचे यहाँ पे पबजी पड़ी हुई है इसके स्टॉक बार में, तो यहाँ पे गाइज़ आप इजीली इसमें स्पीड टाइम्स इसके देख सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ अपने वाईफाई के ज़रिए, तो अभी कनेक्टेड है। तो गाइज़ इसमें पबजी भी बहुत बेहतरीन चलती है, और बहुत ही अच्छे इसमें लोडिंग टाइम्स हैं, आपको बहुत इंस्टेंट देखने को मिल जाता है इसका लोडिंग टाइम। और गेम प्ले में भी आप इसमें HDR पे, अल्ट्रा पे खेल सकते हैं एक्सट्रीम ग्राफिक्स के साथ, और 3 GB रैम है, तो गाइज इसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। और जब से इसके अंदर आईपैड OS आया, उसके बाद इसकी मल्टीटास्किंग, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल इधर यूट्यूब खोली है, तो आप नीचे से यहाँ पे ब्राउज़ करके, अगर आप चाहें तो आप एप्पल म्यूज़िक भी एक साइड पर यहाँ पर ऐसे भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर एप्पल म्यूज़िक, और अगर आप चाहें तो आप बेशक इसे पकड़ के यहाँ पर जो भी दो ऐप्स आपने खोले होंगे उनमें स्विच भी कर सकते हैं, और साथ में आप इसको यहाँ पे चाहें अगर साइड पे भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यूट्यूब खोले खोले साथ में एप्पल म्यूज़िक जो है उसको भी खोल सकता हूँ। मैं आपको एक दफ़ा ट्राई करवा देता हूँ करके, ये देखें गाइज़, अगर आप यहाँ पे लगाएं तो आपका एक साइड पे म्यूज़िक खुल जाएगा, एक साइड पे यूट्यूब खुल जाएगा, जो कि बहुत बेस्ट इसमें मल्टीटास्किंग है। और साथ में अब आप इसको, क्योंकि ये आईपैड है, तो लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और इसका यहाँ पे अभी इन्होंने नया एक स्टेटस बार भी डाल दिया, जिसमें आपके विजिट्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि और अच्छा बनाते हैं एक्सपीरियंस को। और इसके साथ साथ बेशक ये आईपैड जो है होम बटन वाला है, लेकिन स्टिल आप इसमें जो जेस्चर्स हैं वो सारे आईफोन वाले ही जेस्चर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि आप सिंपली वही उसी तरह से इसको
आईपैड को भी आईफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और दो ऐप्स भी एक टाइम पे आप उड़ा सकते हैं इसमें, जैसे आप उसमें उड़ाते हैं आईफोन में। तो गाइस काफ़ी हद तक इसका ये सारा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है। और बाकी वैसे मुझे पता है कि आईपैड का लोग मोस्टली कैमरा नहीं यूज़ करते, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का 8 मेगापिक्सल का, और बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा स्लो है, 2 से 3 घंटे लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, उसकी वॉटेज क्या है। लेकिन फिर बैटरी टाइमिंग आपको अच्छी देता है, 7-8 घंटे गेम प्ले के साथ और नॉर्मल वीडियो वॉचिंग वगैरह के साथ आपको 9 घंटे भी दे सकता है। और उसके अलावा गाइज अगर बात कर ली जाए इसके फ्यूचर प्रूफिंग की, तो वो तो आपको पता है कि एप्पल प्रोडक्ट और एप्पल प्रोडक्ट्स में हमेशा सॉफ्टवेयर अपडेट्स लंबे टाइम तक आते हैं। तो ये अभी रीसेंट ईयर में आया है 2019 में, तो इसके अभी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको इजीली 2-3-4 साल तक इजीली अभी देखने को मिल जाएंगे, वो मसला नहीं है। और बाकी गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी सिल्की स्मूथ है, चलने में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और मैंने इसमें ऑलरेडी फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल और इवन के नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स में इंस्टॉल की हुई है, तो इन सारे गेम्स वगैरह के साथ बहुत अच्छा रन होता है, कोई इशू कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं आता, और ना ही ओवरहीट करता है और ना ही इसके टच में कोई लैग वगैरह आता है। और इसमें गायरो वगैरह भी बहुत अच्छा वर्क करता है पबजी प्लेयर्स के लिए बता रहा हूँ। और बाकी गाइस प्राइस और टू यूज़ के लिहाज से देखा जाए या बैंक फॉर द बक के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और क्योंकि एप्पल प्रोडक्ट है तो आपका इकोसिस्टम भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक तो नंबर वन पे, और नंबर टू पे इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है रीसेल करने में कंपेयर टू अदर टैब्स। और जाहिर है कि वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ओवरऑल कंपेरेटिवली एंड्रॉयड के, तो आपको बहुत अच्छी एक चीज़ देखने को मिल जाती है जस्ट $400 के बजट के अंदर अंदर। तो गाइज और इस पर इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको डिपेंडिंग ऑन कि आप किस शॉप से ले रहे हैं और किस सिचुएशन में ले रहे हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।